हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है क्रिप्टो पीएम चैनल पर, जहां पे आपको क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज बताई जाती है। तो आज जैसे कि आप चार्ट में भी देख रहे होंगे कि क्रिप्टो मार्केट डाउन चल रही है, रेड हुआ पड़ा है पूरा का पूरा माहौल। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, और इसका मेन रीजन हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वॉर चल रही है, वॉर का पूरा सिनेरियो इसराइल और हमास का चल रहा है। अब वैसे इतना ज्यादा क्रिप्टो इंडस्ट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इट्स डिसेंट्रलाइज्ड, लेकिन कुछ इफेक्ट तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो में और शुरू करते हैं आज का न्यूज सेशन। तो इथेरियम फाउंडेशन, जो कि एनजीओ है, उसने 2.76 मिलियन डॉलर के ईथ सोल्ड किए हैं, तो जिसकी वजह से ईथर के प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिली है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी मार्केट जो है वो डाउन चल रही है। तो बात करते हैं 1700 ईथ, जो कि 2.76 मिलियन डॉलर के करीब थे, तो वो यूएसडीसी स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट किए हैं। और ये चीज यहाँ पे स्कोप स्कैन ने बताई है कि यूनिस्वैप पे ये कन्वर्जन हुआ है। तो बात करते हैं 2022 की जो रिपोर्ट थी अप्रैल, तो उसमें जो फाउंडेशन है उसका करीब करीब 395,000 का ईथ उन्होंने होल्ड किया हुआ है, जो करीब करीब 0.297% ऑफ इथेरियम का टोटल सप्लाई है बाय Q1 2022 के। एक और रिपोर्ट कहती है कि फाउंडेशन ने 48 मिलियन डॉलर रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च किया है, जो कि इथेरियम पे डेवलपर्स काम कर रहे हैं। और साथ में अब डीफाई लामा की जो रिपोर्ट है उसमें बताया है कि अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 316488 ईथ को होल्ड करती है, जो कि $502 मिलियन के करीब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने अभी किया है, बहुत बार किया हुआ है। जैसे May 6, 2023 में 15,000 ईथ इन्होंने करीब करीब $28.5 मिलियन के क्रैकन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में किए थे। और 18 महीने पहले इन्होंने 20,000 ईथ किए थे, जो कि $95 मिलियन के थे क्रैकन अगेन November 11, 2021 में, जब करीब करीब इथीरियम का प्राइस $4,700 चल रहा था। तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि क्या रीजन हो सकता है इनके कन्वर्जन का। HGX क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, इसका नाम पहले हुबी था, तो जिस हैकर ने $8 मिलियन यहाँ पे स्टोल किए थे, तो उसने वापस कर दिए है। और एज पर दी जस्टिन सन ने जो बोला था कि बाउंटी 5% की उसको मिलेगी इन रिटर्न ऑफ द स्टोलन फंड्स, तो उस बंदे ने, उस हैकर ने उन्हें वापस कर दिए है। और एक मैसेज उनको दिया है, तो 25 सितंबर को HTX का यहाँ पे वर्नेबिलिटी होती 5,000 ई थी, और साथ में इन्होंने 5% का व्हाइट हैट बोनस ऑफर किया था हैकर को, और उस हैकर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और बाकी के जितने भी उसने चुराए थे वापस कर दिए है। और साथ में यहाँ पे इन्होंने ट्वीट भी किया था जस्टिन सन ने, और HTX के हैकर ने यहाँ पे एक उनके लिए मैसेज भेजा है, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देती हूँ। योर सिस्टम होट वॉलेट प्राइवेट की लीक, यू शुड चेंज सिस्टम होट वॉलेट एड्रेस एंड रिड्यूस द सिस्टम होट वॉलेट रेट। तो तुम्हारा होट वॉलेट का प्राइवेट की यहाँ पे लीक हुआ था सिस्टम का जो तुम्हारा है, और इसी वजह तुम्हें अपना हॉट वॉलेट एड्रेस को चेंज करना चाहिए। और हॉट वॉलेट तुम्हारा सिस्टम का हॉट वॉलेट है, उसमें फंड्स उतने रखने चाहिए तुम्हें जितने तुम रिस्क ले सकते हो। और साथ में HTX ने यहाँ पे 250 ETH भी एज अलॉन्ग साइड मैसेज के साथ भेज दिया था, और उसने बोला है जस्टिन सन ने कि यू हैव मेड द राइट चॉइस, और जो भी मतलब वल्नरेबिलिटी एनालिसिस रिपोर्ट है तुम हमें ईमेल वगैरह कर सकते हो, ताकि आगे फ्यूचर में कुछ ऐसे इंसिडेंट वगैरह ना हो। और सितंबर क्रिप्टो के लिए मतलब अच्छा महीना नहीं रहता, तो यहाँ पे $330 मिलियन के क्रिप्टो जो है वो स्टोल हुए हैं, लॉस्ट हुए हैं, कुछ भी कह लो। तो ये सर्टिक अलर्ट की रिपोर्ट है कि एग्जिट स्कैम्स वर $1.9 मिलियन, एक्सप्लॉइट्स वर $329 मिलियन, तो ये सारा का सारा इसने यहाँ पे रिपोर्ट बना रखी है। तो हिमाचल प्रदेश में 200 करोड़ का क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड हुआ है, और बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए हैं इस फ्रॉड से। हिमाचल प्रदेश में जो रहने वाले थे, और भी बहुत सारी जगहों पर, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, और साथ में 35 लोकेशन पे पुलिस उन फ्रॉडस्टर्स को ढूंढ रही है। तो हुआ क्या था, इन्होंने एक नकली सी क्रिप्टो करेंसी बनाई थी, जो कि हमें फ्रॉड में ऑब्वियसली बात है देखने को मिलती है, और उस क्रिप्टो करेंसी का नाम था कोरवियो, कोरवियो कॉइन, जिसे वो क्रो भी बोलते थे, क्रो कॉइन्स। इसमें क्या होता था, आप मतलब जो भी लोग, वो हिमाचल प्रदेश के जो लोग थे, उनको एक्टिवेशन फी देनी पड़ती थी अपने अकाउंट्स को एक्टिवेट करने के लिए। और सिंपल सी बात है, जहाँ पे स्कैम होता है वहां पे उनको नेटवर्क बनाने को बोला जाता है कि इन्वेस्टर्स, अपने जैसे लोग ढूंढो, और या तो अपने पड़ोसियों को ढूंढो या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को बोलो। यहाँ पे जब भी कोई न्यू कॉइन ये लोग, ऐसे लोग बनाते हैं,
इसका कोई भी कुछ भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ होता, कोई ब्लॉकचेन पर नहीं होता, ये इनका खुद का ही कुछ भी चल रहा होता है और हवा में इनका कॉइन होता है। यहाँ पे वही चीज हुई है, इनको बोला गया है कि अपने से लोग ढूंढो और इन्वेस्ट करो और एक दिन ये कॉइन ऊपर जाएगा जैसे बिटकॉइन गया है, और आपको बहुत कम टाइम में हाई रिटर्न से देगा। तो इन्होंने लोगों का पैसा मैनिपुलेट किया जैसे, क्योंकि इनके हाथ में सब कुछ था, क्योंकि कॉइन ब्लॉकचेन पर तो था ही नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने फिर एक और कॉइन क्रिप्टो करेंसी जो भी है बनाई, TGT कॉइन, और इसको इसका जो प्राइस था वो हाई था, और मैनिपुलेशन की वजह से इन्होंने इसका प्राइस कम कर दिया जब लोगों ने इसे खरीद लिया, तो लोगों को यहाँ पे भी बहुत भारी नुकसान फेस करना पड़ा। और ये जो स्कैम है ये 2018 से चल रहा था और मोस्टली विक्टिम्स मंडी के है, हमीरपुर के है, कांगड़ा के है। पुलिस ने बोला है कि 10 केसेस इस पे आए हैं, चीटिंग का, फ्रॉड का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, मनी लॉन्ड्रिंग का, प्रमोशन ऑफ फेक क्रिप्टो हैव बीन रजिस्टर्ड। 5 लोग थे जिसमें से 2 लोग सुखदेव ठाकुर और हेमराज ठाकुर पकड़े गए हैं, और जो मास्टरमाइंड मतलब मास्टरमाइंड तो ये भी थे, लेकिन जो मेन बंदा था सुभाष शर्मा वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। अब यहाँ पे ये पोंजी स्कीम पैटर्न की तरह इन्होंने बनाया था, जिसमें कोई प्रॉफिट वगैरह कुछ जो लेजिटिमेट तरीके से होता है वो नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है कि तुम्हें हाई रिटर्न्स मिलेंगे। साथ में यहाँ पे क्या होता था कि जो नए लोग, नए इन्वेस्टर्स जो जिन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, उन्हीं का पैसा वो पुराने लोगों को देते थे। अभी भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, जब तक वो लोग नहीं मिल जाते। तो प्लीज आप सभी भी सतर्क रहिए, अवेयर रहिए इन सभी क्रिप्टो करेंसी स्कैम से। तो मैं आपको अपडेट वैसे भी करती रहती हूँ कि जो भी ये स्कैम्स होते हैं, यहाँ पे आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है, और एक कोई भी कॉइन आप हमेशा से चेक करो, रिसर्च करो कि भाई ये कॉइन ब्लॉकचेन पर है कि नहीं है, इसका कोई व्हाइट पेपर है कि नहीं है, ये ट्रेड कहाँ कर रहा है, कॉइन मार्केट कैप पे है कि नहीं है, मतलब सब कुछ आपको चेक करना चाहिए ताकि आपका नुकसान ना। तो प्रो XRP लॉयर जॉन डीटन, ही स्लैम सैम बैंकमैनफ्रीड सिंपथाइजर्स, इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया है ऐसे सिंपथाइजर्स को कंसिडर नहीं करना चाहिए इंटरव्यू के लिए, वो भी प्रोमिनेंट टेलीविजन शोज जैसे CBS 60 मिनट्स। तो जो भी ये अटर्नी है और क्रिप्टो एडवोकेट है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है सैम बैंकमैनफ्रीड के सपोर्टर्स को, जो कि FTX के CEO थे, जो कि आप सभी जानते हैं वो एक बैंकक्रप्ट एक्सचेंज है। और डेटन ने यहाँ पे ये चीज बोली है SBF के लिए कि ये इंटेंशन इंडिविजुअल था जिसने गलतियां करी और लोगों के पैसे खाए हैं, और उनके सिंपथाइजर्स को सजेस्ट करना चाहता है कि भाई ऐसे इनके इंटरव्यूज वगैरह लेने का कोई फायदा नहीं है और ऐसे बंदों का लेना नहीं चाहिए। और जैसे कि लोग SBF को यहाँ पे बेचारा बोल रहे हैं कि इस बंदे ने गलतियां करी है और इस वजह से इसका जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था वो बहुत कम टाइम में इसने बहुत ग्रो किया है, तो इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले बंदे हैं, तो उनको यहाँ पे डिटेन यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई बैंकरप्सी फाइलिंग के बाद भी वो पार्टिसिपेट कर रहा है इंटरव्यू में और वो क्रिप्टो हीरो बना हुआ है। यहाँ पे डिटेन ने ये भी बोला था कि कोई भी रेगुलेटरी एजेंसी ने यहाँ पे लीगल एक्शन SBF के पेरेंट्स के खिलाफ नहीं लिया। तो आपको क्या लगता है कि डीटन ने जो बोला सही बोला है SBF के लिए? आप नीचे कमेंट से बताना। एवलांच ब्लॉकचेन का स्टार्स अरीना, जो कि इनका वेब थ्री सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हैकिंग हुई है। करीब करीब $3 मिलियन की हैकिंग की है हैकर ने, और 4% के करीब एविक्स का जो प्राइस है वो गिरा है। तो बेयरिश ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे इनके लिए। तो स्टार्स अरीना ने यहाँ पे ट्वीट किया था कि कोई भी फंड्स वगैरह डिपॉजिट मत करना। और जो एमिन साइरन है फाउंडर और CEO एवा लैब्स के, $3 मिलियन उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी रकम है, लेकिन जो स्टार्स अरीना की टीम है वो इसे कॉपअप वगैरह कर लेगी। और इन्होंने यहाँ पे स्टार्स अरीना का मैट्रिक्स वगैरह भेजा है कि डेली प्रोटोकॉल फीस वगैरह उसका चार्ट भेजा है। तो लोग एवेक्स पे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं वो जानते हैं। तो जाहिर सी बात है किसी भी ब्लॉकचेन पे अगर किसी भी उसके जो प्रोडक्ट है उस पे हैकिंग वगैरह होगी तो प्राइस नीचे जाएगा ही जाएगा उसके टोकन का। तो वही चीज एवेक्स के साथ हुई है। करीब करीब एवेक्स का जो प्राइस था जिस टाइम पे ये हैकिंग हुआ था उससे पहले, तो $11.57 पे चल रहा था, लेकिन अब इसका प्राइस अगर मैं कॉइन मार्केट कैप का यहाँ पे दिखाऊँ तो $10 के करीब इसका प्राइस चल रहा है। लेकिन स्टार्स अरीना ने फंड्स को सिक्योर कर लिया है, $3 मिलियन जितने हुए थे, लेकिन अभी सिक्योरिटी ऑडिट चल रही है और उसी के बाद जितने भी लोग हैं वो डिपॉजिट कर सकते हैं, अभी इनको नहीं भरना। तो स्टार्स अरीना को जो स्लो मिस्ट है सिक्योरिटी फर्म, उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा हैकिंग हुई है और यहाँ पे जो हैकर है वो फंड्स को फिक्स फ्लोट क्रिप्टो एक्सचेंज पे सेंड कर रहा था। तो स्टार्स अरीना ने यहाँ पे ट्वीट भी किया था कि वी हैव सिक्योर्ड द रिसोर्सेज टू क्लोज द गैप पोस्ट बाय द एक्सप्लॉइट, और एडिशनली इन्होंने बोला है कि स्पेशल व्हाइट हैट डेवलपमेंट टीम इन्होंने बुलवाई है ताकि वो प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी
देखे एक बार कि क्या क्या और चीजें देखनी बाकी है, और जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको ऑडिट वगैरह करे, और जब तक इनका ऑडिट नहीं हो जाता तब तक कोई भी फंड को डिपॉजिट नहीं कर सकता। तो आगे देखते हैं कि कितना टाइम इनको और लगेगा सब चीजों को सॉर्ट आउट करने में, लेकिन इन्होंने जो फंड्स है उसे तो रिकवर कर ही लिया है। तो आगे की जो भी चीजें होगी अपडेट वगैरह करते रहेंगे ट्विटर पे, और अभी तक तो इतना ही अपडेट इनकी तरफ से आया है। FCA एड्स मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंजेस टू वार्निंग लिस्ट। तो जो यूनाइटेड किंगडम की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है उसने वार्निंग लिस्ट निकाली है और उसमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को ऐड किया है। तो FCA ने एडिशंस की है नॉन ऑथराइज्ड फर्म्स को लेकर, और कंज्यूमर्स को वार्न किया है जो कि यूके कंज्यूमर्स हैं कि इन फर्म्स के साथ एंगेज मत हो। और अक्टूबर 8 को यहाँ पे इन्होंने अपनी वार्निंग लिस्ट अपडेट करी थी, जिसमें इन्होंने अपडेशन की है जिसमें मेजर क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस जैसे HTX और KuCoin इसमें अभी शामिल किए गए हैं। 143 एंटिटीज हैं इनके पास जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उसमें से सिर्फ 38 का इन्होंने सेलेक्ट किया था रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है वो स्क्रूटिनी के अंडर है। वार्निंग लिस्ट इन्होंने जारी करी है जिसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, और इन्होंने सिर्फ छोटा सा मैसेज बोला है, यू शुड अवॉइड डीलिंग विद दिस फर्म। और इन्होंने फर्म्स को बोला है, क्रिप्टो करेंसी फर्म्स को, या तो ये रजिस्टर्ड कर ले FCA के साथ या फिर टेम्परेरी होल्ड करे स्टेटस को और लीगली ऑपरेट करे। तो जेसन प्रॉबिन, क्रिप्टो फाइनेंशियल प्रमोशन लीड FCA में जो है, उन्होंने पहले एम्फसाइज किया था कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं नॉन कम्प्लायंस के लिए, और पोटेंशियल क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। तो जो रेगुलेटरी बॉडी है वो रॉबस्ट एक्शन यहाँ पे लेना चाहती है जितने भी इनलीगल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यूके के कंज्यूमर्स को दिए जा रहे हैं उसके खिलाफ। और जो जो भी फर्म्स को वार्निंग लिस्ट में डाला गया है तो उनको बोला है कि अपनी वेबसाइट्स को रिमूव कीजिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स को, एप्स को, और जो भी प्रमोशनल मटेरियल्स है और जो भी जो ब्रीच कर सकती है रेगुलेशंस को, उन सभी को आप रिमूव कीजिए वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो FCA के पास रजिस्टर्ड क्रिप्टो एसेट्स प्रोवाइडर्स है 42 जिसमें आती है एंटिटीज जैसे बिट स्टैम्प, रिवॉल्ट, जेमिनाई, होल्डिंग ऑथराइज स्टेटस। तो यहाँ पे पेपाल ने भी सस्पेंड किए अपने क्रिप्टो ट्रांजेक्शन यूके कस्टमर्स के लिए, जिसकी वजह से ये जो पेपाल का मूव है ये दिखा रहा है कि चैलेंजेस जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेस कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी कंपनीज जो कि कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी लैंडस्केप हमें देखने को मिल रहा है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको क्रिप्टो में जो चल रहा है उसके बारे में पता चला होगा, और आई होप आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा क्योंकि उसी को मोस्टली चीजें समझ आती हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में न्यू न्यूज के साथ।